fight. साथ हमारी चवाल कम्युनिटी की तरफ से चादर है जो हमारी सदियों की जो परंपरा है वो जनाब को तारीफ। साउथ कश्मीर कर जाते जो स्कूल मूव करते, मुझे कुछ शिक्षक मिले थे जो 4,000 वेतन पाते थे, अब उनका वेतन 10,000 रुपया हो गया है। एक फैसला हमने किया वो 10,000 रुपये पा रहे। दूसरी बात आप लोगों ने कही है कि जो ये मूविंग स्कूल्स हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मैं देख करके क्या इसमें संभव है, क्या किया जा सकता है, इसका इंतजाम शीघ्र कराऊंगा। दूसरी बात ये फॉरेस्ट एक्ट की है, समय सीमा इसलिए रखी गई थी कि आप जानते हैं कि प्रशासन को जब समय सीमा देते हैं तो थोड़ा तेज होता है, लेकिन वो तब तक चलेगा जब तक कि पूरा काम खत्म नहीं हो जाएगा। एक आग्रह आप लोगों से जरूर है, जैसा आप में से कई लोगों ने स्वयं कहा कि कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो प्रशासन का काम करने का अपना एक तरीका है, उनमें उतनी संवेदनशीलता नहीं है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, कैसे आपके समाज के जो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की, नहीं पढ़े, उनकी मदद करके ये काम जरूर करवा लीजिए, ताकि उनको अपना रहने का ठिकाना, जीने का ठिकाना हो जाए। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम। तीसरी बात, मुझे लगता है कि मैंने कौम में शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा हो, क्योंकि अब जो व्यवस्था है उसमें बिना शिक्षा के कोई कौम प्रगति नहीं कर सकती। तो सरकारी तौर पर जो संसाधन दिए जा रहे हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, वो अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि कौम के तौर पर ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि समाज में जो लोग नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं, जिनके बच्चों को कठिनाई है, उनकी मदद करें। प्रशासन भी पूरी तरह से मदद करेगा। ट्राइबल डिपार्टमेंट का ध्यान आप लोगों ने आकृष्ट किया है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि कोई अच्छा अफसर जो आपकी पीड़ा समझता है, जो खुद उस पीड़ा से गुजरा है, ऐसे किसी अफसर को लगा करके ट्राइबल डिपार्टमेंट के काम को भी तेजी दी जाए। ये मोटे तौर पर चार बातें कही गई हैं। एक उससे आगे बढ़ चढ़ करके बात मैं करना चाहता हूं, जो आपके गांव हैं सुदूर अंचलों में जहां सड़क नहीं बनी या न्यूनतम सुविधाएं नहीं, उसकी एक सूची आज नहीं 10 दिन 20 दिन एक महीने में बना करके दे दीजिए कि यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस पर भी कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी इस काम को भी पूरा कर दिया जाए। और भी कोई हॉस्टल्स का काम है, ये सब गति हो, वो अफसर मैं अच्छा लगाऊंगा और उसको लगाऊंगा जो आपके बीच का हो, आपकी तकलीफ को समझता हो। मैं समझता हूँ कि आगे जब बोर्ड बनेंगे तो आपका भी बोर्ड बनेगा और आपकी इच्छा जिसको होगी वही उस बोर्ड का अध्यक्ष होगा।